सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मेदिनीनगर औरंगाबाद मुखपथ पर रविवार को एक बार फिर रफ्तार का कहर बरपा। सड़क पार कर रहे एक मजदूर को तेज रफ्तार टेलर ने कुचल दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और मुआवजा सहित गति सीमा निर्धारित करने की मांग को लेकर एनएच जाम कर दिए। साथ ही टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को छतरपुर के कार्यपालक दंडाधिकारी कामेश्वर बेदिया, हरियरगंज के बीडीओ हरिशंकर बारी और पुलिस पदाधिकारी समझाने का प्रयास भी कर रहे थे। वहीं जानकारी के अनुसार हरियरगंज थाना क्षेत्र के बेलोदर निवासी 35 वर्षीय मोहम्मद नूर आलम दोपहर करीब 1 बजे हरियरगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप सड़क पार कर रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार टेलर ने नूर आलम को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक टेलर लेकर दूर भागा, लेकिन बाद में रास्ते में टेलर लगाकर वो फरार हो गया। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और टेलर के सह चालक को हिरासत में ले लिया। सह चालक से चालक के संबंध में अभी पूछताछ जारी है। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई जगहों पर टायर जलाकर भी विरोध किया। सड़क जाम हो जाने से सड़क के दोनों छोर 2-2 किलोमीटर तक वाहन फंसे रहे। इसमें मालवाहक वाहनों की संख्या अधिक थी। बातचीत चल ही रहा था कि अचानक वहां मौजूद लोग उग्र हो गए व कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलने पर छतरपुर से एसडीओ के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी कामेश्वर बेंदिया, हरियरगंज के बीडीओ हरिशंकर बारी और हरियरगंज पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी वंश नारायण सिंह, छतरपुर थाना प्रभारी वासुदेव मुंडा, पिपरा थाना प्रभारी निरंजन कुमार सिंह सहित स्थानीय पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। समझौता हो ही रहा था कि प्रशासन प्रभावित परिवार को पारिवारिक लाभ योजना, पीएम आवास और विधवा पेंशन देने को तैयार था, लेकिन इसी बीच अचानक युवा लोग उग्र हो गए और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ही तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। जाम में फंसे 1 दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ डाले, हेडलाइट सहित अन्य सामानों को भी नुकसान पहुंचाया। दरअसल कुछ युवाओं के कारण सुलहनीय मामला अचानक बिगड़ गया और पत्थर चलाकर बड़े ट्रक और हाईवा के शीशे तोड़ डाले। इससे कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बल प्रयोग कर जाम हटाया गया। स्थिति बिगड़ने और वाहनों में तोड़फोड़ होता देख पुलिस जवान बल प्रयोग करने में लगे। भारी संख्या में मौजूद जवानों ने प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ दिया। बाद में हरियरगंज पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर पीएमसीएच में भेज दिया गया।